चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में आपको यहाँ पे देखने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर आप यहाँ पे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में मतलब यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, मतलब इतने दिनों से अपन ने थोड़ा बेसिक्स के बारे में यहाँ पे जानकारी ली। बेसिक्स में अपन अपन आगे देखने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरह से कैंडलस्टिक क्या रहती है, प्राइस क्या रहती है, किस तरह से बढ़ती है प्राइस, प्राइस के बारे में यहाँ पे सब कुछ अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूं। सो लेट्स सी, अपने टाइप टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो अपना जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन, इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो फर्स्ट पॉइंट है, अभी अपन कोई भी यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स अगर बाय कर लेते हो, देखो कोई भी स्टॉक्स अगर बाय कर लेते हो तो उसको यहाँ पे प्राइस एक्शन की भाषा में यहाँ पे उसको लॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग कहते हैं। अगर मैंने आपको बोला कोई यहाँ पे एक्स वाई जेड स्टॉक्स लॉन्ग कीजिए, एक्स वाई जेड स्टॉक्स लॉन्ग कीजिए मतलब उस स्टॉक्स को यहाँ पे क्या करने का है, बाय करने का है। उसके अपन कोई भी स्टॉक्स को सेल करते हैं, कोई भी स्टॉक्स डाउन साइड की तरफ चला है सेल करते हैं, तो यहाँ का उसको यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट बोला जाता है। प्राइस एक्शन के बारे में अगर देखें तो इसको अपन शॉर्ट्स कहते हैं। उसके बाद में अगर थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे एक से ज्यादा अगर स्टॉक्स यहाँ पे बाय कर ले तो उसको बायर्स किया जाता, बायर्स बोला जाता है। एक और एक से ज्यादा अगर यहाँ पे स्टॉक्स अपन बाय करते हैं तो उसको बायर्स बोला जाता है। तो उस बायर्स को यहाँ पे प्राइस एक्शन की भाषा में यहाँ पे बुल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुल्स बोला जाता है। ओके, और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है जो कि अपन एक से ज्यादा यहाँ पे कोई ज्यादातर शेयर्स अगर यहाँ पे सेल करते हैं उसको सेलर्स किया जाता है, और उसको यहाँ पे प्राइस एक्शन की भाषा में यहाँ पे बेयर्स बोला जाता है। तो मतलब अगर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में सीखने का है, प्राइस एक्शन के बारे में अगर आपको सीखने का है तो यहाँ पे क्या पता है, अगर कोई भी स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो उसको अपन यहाँ पे प्राइस एक्शन की भाषा में लॉन्ग कहेंगे, कोई भी स्टॉक्स अगर अपन सेल कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट्स कहेंगे, और एक से ज्यादा अगर आपको स्टॉक्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो उसको अपन बुल्स बोलेंगे, एक से ज्यादा अगर आपको स्टॉक्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उसको अपन यहाँ पे बियर्स कहेंगे। तो ये हो गया थोड़ा नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, बाय बाय करना मतलब लॉन्ग करना, सेल करना मतलब शॉर्ट करना, बायर्स मतलब बुल्स और सेलर्स मतलब बियर्स। तो ये अपन ने देख लिया। इसके आगे का अपन चलिए देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगला पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, तो बहुत लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता नहीं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या रहता है? समझो एग्जाम्पल एग्जाम्पल तौर के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। इसका एग्जाम्पल मतलब क्या कि मैं 500 रुपीज की रिस्क ले रहा हूँ, देखो 500 रुपीज की रिस्क ले रहा हूँ, मतलब मैं जो भी अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को 500 रुपीज का लॉस हो जाएगा। ओके ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने 1,500 रुपीज यहाँ पे मैंने क्या किए, अर्न किए। ओके, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ, 1:3। इस तरह से 1:3 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 500 रुपीज का एक ही नोट लगाया था और उसके अगेंस्ट मैंने 500 प्लस 500 प्लस 500 ऐसे करके 1,500 मैंने क्या किया, अर्न किया। तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा तो 1:3 रहेगा। ओके, समझो यहाँ पे अगर मैंने, और एक आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने 500 रुपीज का रिस्क लिया है। ओके, और मैंने यहाँ पे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, 1:4, क्योंकि 500 रुपीज लगने उसके 4 टाइम्स यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कि 1:4 हो गया। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हमको पता चले, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने का पड़ेगा, तो मिनिमम 1:2 आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप फॉलो करते तो भी आप अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं, आपका अच्छे से जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी। मतलब अगर अपन 500 रुपीज अगर दिन का रिस्क ले रहे तो उसके अगर आप 1,000 रुपीज अगर यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे 25 दिन या 22 डेज ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो एक अच्छा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा और आपको जो स्ट्रैटेजी वो अच्छे से रिजल्ट देगी, और आपका पीएनएल अगर देखे तो पीएनएल अच्छे तरह से यहाँ पे ग्रीन में होगा। तो चलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में आपको पता चला। अगला पॉइंट है कि जो प्राइस है ऊपर जाती है स्टॉक्स की नीचे आती है, तो इसका रीजन क्या है सर, किसके बिहेव पर है मार्केट में मोमेंटम हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे जब भी प्राइस एक्शन होता है, देखो जो भी प्राइस एक्शन होता है वो प्राइस एक्शन जो कि कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, कलेक्टिव जो ह्यूमन बिहेवियर होता है अपना,
जो कि अपन ही बोलेंगे कि सर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स नीचे जा रहा है यहाँ पे, क्यों? ये हमारा नेचर ही बोलेगा। अब जैसे प्राइस के बारे में सीखेंगे तो प्राइस के बारे में जैसे सीख ले तो बोलेंगे हाँ सर कैंडल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, कैंडल नीचे की तरफ जा रहे तो मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके, जो प्राइस जो अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ऊपर जाए नीचे, ये कौन करेगा? ह्यूमन बिहेवियर करेगा। ओके, और उसके बाद में प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूवमेंट, मतलब प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन मोमेंटम, ये प्रेडिक्ट कौन करेगा? अपन यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले कि हाँ कि मेरे को यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ इस रेंज में चल रहा है और ग्राफ जैसे ही ऊपर की तरफ निकल रहा है तो मेरे को लगेगा, प्रेडिक्ट करूंगा कि मार्केट के डायरेक्शन अपसाइड के लिए, और ग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड के लिए। तो ये जो प्रेडिक्शन जो है वो अपन ही करेंगे और जो ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे प्रेडिक्शन करता है। तो ये थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में देख लिया कि क्या किस तरह से। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, देखो यहाँ पे मेन पॉइंट्स ऑफ प्राइस एक्शन, ओके, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी मतलब ये जो अपन बेसिस कर रहे, बेसिक्स समझ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम है क्या, देखो स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइस। ओके, मतलब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये 5,000 रुपीज आप ले लो, ओके, और मेरे को 1 आवर टू 2 आवर में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट करके दिखाओ, तो आपके यहाँ से पॉसिबल होने वाला है क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ पे मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में मैं किस तरह से ट्रेड करूँ, इसका क्या लॉजिक है क्या? तो इसका मतलब क्या, मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम दिया है, स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइस रहेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा 5 मिनट्स का कैंडल ये देखो या 1 मिनट का कैंडल देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे प्रॉपर डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सो मेनी टाइम्स अगर देखें तो यहाँ पे सो मेनी टाइम्स बुक लॉसेस, ओके, मतलब आप यहाँ पे लॉसेस ही बुक करने वाले हो। अगर आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की, मतलब इंट्राडे में कम टाइम में आप बोल रहे कि मैं अच्छा क्वांटिटी अगर यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको लॉस होने के चांसेस है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या आता है, तो सेकेंड पॉइंट ए देखो लार्जर टाइम फ्रेम, यहाँ पे लार्जर टाइम फ्रेम्स हैव रिड्यूस नॉइस, क्या है, रिड्यूस नॉइस एंड गिव एग्जैक्ट एंट्री एंड ट्रेंड सिग्नल। देखो ट्रेंड सिग्नल मतलब क्या होगा कि अगर आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 500 दिए और मैंने बोला आपको 4 to 5 आवर्स में मेरे को ट्रेड करके बता दीजिए, ओके, तो बोलेंगे ठीक है सर कैपिटल भी अच्छा है यार, 4 to 5 आवर्स में यहाँ पे ट्रेड करके आपको दिखा सकता हूँ। तो आप बोलेंगे क्या करेंगे, फर्स्ट वन आवर अपन मार्केट को वॉच करेंगे, क्या करेंगे, वॉच करेंगे। ओके, वॉच करने के बाद जैसे अपन वॉच करते, सो वॉच करने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे मेरा मार्केट वॉच हो गया, आप बोलेंगे चलो मेरा पे वॉच हो गया, मैंने मार्केट को क्या किया, वॉच कर लिया। ओके, उसके बाद में 1 आवर आप क्या करेंगे, 1 आवर आप मार्केट को वॉच करेंगे, सपोर्ट जो रहता है आगे वाले देखेंगे, रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट 2 आवर्स में आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा और आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएंगे और एक अच्छा सा रैली कैप्चर कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर आपके पास लार्जर टाइम फ्रेम है तो लार्जर टाइम फ्रेम में आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से ट्रेड लेंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा, परफेक्ट एंट्री मिलेगा, यहाँ पे एंट्री परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलेगा और एक अच्छी तरह से ट्रेंड आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे लार्जर टाइम फ्रेम के साथ अच्छे से तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि चार्ट, चार्ट के ऊपर टाइम, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइज एक्शन। देखो प्राइज एक्शन के लिए जो टाइम है वो टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप 5 मिनट का कैंडल देख रहे, 10 मिनट का कैंडल देख रहे, 1 आवर का कैंडल देख रहे या डेली कैंडल यहाँ पे देख रहे। तो आने वाले सेशन में अपन ये भी देखने वाले कि 5 मिनट का कैंडल कब देखना चाहिए, 10 मिनट का कैंडल कब देखना चाहिए, 1 आवर का टाइम टाइम फ्रेम कब देखना चाहिए और सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे
चार्ट के ऊपर आप 5 मिनट का चार्ट लगा के बैठे, 10 मिनट का चार्ट लगा के बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको डिसाइड करेगा कि 5 मिनट के चार्ट में क्या हो रहा है, 10 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ये सब आपको चार्ट ही बताएगा। और चार्ट के ऊपर आप गलत टाइमिंग के अगर चार्ट लगा के बैठे हो, और समझो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, क्या करने का है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की है, और आपको तो 5 मिनट और 15 मिनट का मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना पड़ेगा, 5 और 15 मिनट में क्या चल रहा है। लेकिन आप 1 आवर और डेली का चार्ट अगर लगा के बैठे हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेड मिलेगा नहीं, मार्केट के बारे में समझ में आएगा। तो चार्ट के ऊपर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है कि अगर प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन जो भी आप सीखने वाले हो, प्राइस एक्शन इज एप्लीकेबल, देखो इज एप्लीकेबल फॉर एनी मार्केट, देखो एनी मार्केट लाइक कमोडिटी, मतलब जो आने वाले दिनों में अपन कमोडिटी के बारे में देखेंगे, कमोडिटी करेंसीज, करेंसी के बारे में भी देखने वाले हैं, और फॉरेक्स। ओके, तो फॉरेक्स तो कमोडिटी फॉरेक्स सब मार्केट के लिए प्राइस एक्शन अवेलेबल है, मतलब चार्ट सही रहेगा, सभी यहाँ पे चार्ट लगेगा, सब जो यहाँ पे एबीसी का स्टॉक्स है, तो एबीसी का स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आपका एनालिसिस है, इस तरह से ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा, यही एनालिसिस जो मैं सिखाना वो आपको कमोडिटी मार्केट के लिए भी अप्लाईबल होगा, फॉरेक्स मार्केट के लिए भी अप्लाई होगा, और यहाँ पे करेंसी मार्केट के लिए अप्लाई होगा। आप बोलेंगे सर आपका मैं 75 डेज का यहाँ पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो ये सीखने के बाद मैं सिर्फ एनएससी और बीएससी मार्केट में ही ट्रेड कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, सब यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, जो भी अपन प्राइस एक्शन यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट सी, अभी आगे क्या देखना पड़ेगा, अभी व्हाट इज द प्राइस। ओके, प्राइस मतलब क्या, क्या व्हाट इज प्राइस। ओके ओके, मतलब एक ए चीज है इसका प्राइस 100 रुपीज है, और एक बी चीज है इसका प्राइस 200 रुपीज है, तो कोई भी स्टॉक्स रहता है कि उसका प्राइस 100 रुपीज ही क्यों है, 200 रुपीज ही क्यों है, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस स्टॉक्स का, ए स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपीज है, और बी स्टॉक्स का प्राइस यहाँ पे 200 रुपीज है। समझो यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ पे एक चीज है, इसको डिमांड बहुत है, देखो इस चीज की डिमांड बहुत है, तो इसका जो प्राइस है 10 से 20 होगा, 30 होगा और 100 होगा। ओके, और दूसरा है कि इसको सप्लाई ज्यादा है, देखो इसको सप्लाई ज्यादा है, तो इसका प्राइस 100 है, 100 से 80, 30 और 10 रुपये भी हो जाएगा। ओके, तो ये 200 जिसका प्राइस है, तो इसको क्या है, देखो डिमांड है, इसको डिमांड है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, और ये जो 100 रुपये जिसका प्राइस चल रहा है, इसको सप्लाई, इसकी वजह से इसका प्राइस घट रहा है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका 100 रुपीज प्राइस क्यों है, कि इसके ऊपर यहाँ पे डिमांड नहीं है, इसके जब इसको डिमांड आएगा तो ये भागेगा। ओके, और इसका 200 प्राइस क्यों है, अभी इसको डिमांड चल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है आईफोन के बारे में, चले आईफोन के बारे में पता है, तो आईफोन देखो, आईफोन आईफोन अभी 15 जो सीरीज है वो नया है। ओके, तो 14 सीरीज का प्राइस चल रहा है 80,000। ओके, 80,000, और 15 पर 15 का चल रहा है 1 लाख रुपीज, कितना चल रहा है 1 लाख रुपीज, तो इसमें सर आप बोलेंगे 1 लाख रुपीज इसका क्यों, और इसका क्योंकि ये क्या है, ओल्ड मॉडल हो चुका है, इसको क्या अभी सप्लाई ज्यादा है अभी इसको, लेकिन डिमांड किसको है, 15 को है। ओके, तो इसको डिमांड है, तो इसका प्राइस बढ़ रहा है, अभी घटेगा नहीं, लेकिन जब आईफोन 16 आ जाएगा तब इसका प्राइस घटेगा, और इसका और घटेगा, और इसको क्या रहेगा, डिमांड रहेगा। तो इस तरह से मार्केट में कोई भी स्टॉक्स रहता है, तो उसका प्राइस क्यों बढ़ता है, कि वहां पे बायर्स ज्यादा रहते हैं, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस स्टॉक्स को बाय ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से उसको डिमांड क्रिएट होता है, और डिमांड क्रिएट होने के बाद उस स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है। ओके, इसका मतलब क्या, मार्केट देखो, मार्केट गोइंग अप। ओके, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट को क्या है, डिमांड है। ओके, जब भी देखो, अभी भी आप देखो, जिस जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, मार्केट को डिमांड है। ओके, लेकिन मार्केट गोइंग डाउन। ओके, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, मार्केट को सप्लाई ज्यादा है, मार्केट को अभी डिमांड नहीं है, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये अपन सब कुछ अपन सीख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन में, कि मार्केट को अगर डिमांड रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट को डिमांड नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी, कौन सा ही स्टॉक्स लिए, कुछ भी लीजिए, लाइफ में देखिए कि जिसको डिमांड रहेगा उसका प्राइस बढ़ेगा ही, और जिसको डिमांड नहीं रहेगा उसका प्राइस सप्लाई ज्यादा रहेगा, तो उसका प्राइस गिरेगा। ओके, तो यहाँ पे मेन पॉइंट देखने वाले
कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटर्जी, देखो प्राइस एक्शन जो स्ट्रैटर्जी रहता है ओके, ये आने वाले दिनों में अपन जो सीखने वाले, जिसको प्राइस एक्शन कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो क्या सीखने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट देखने वाले अपन कैंडल स्टिक, क्या देखने वाले कैंडल स्टिक ओके, और उसके बाद में चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न ओके, और थर्ड पॉइंट देखने वाले रिवर्सल पॉइंट, रिवर्सल पॉइंट ओके। तो बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, बता दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये ऐसे लेवल्स रहते हैं कि मार्केट वहीं से ऊपर जाएगा वहीं से नीचे जाएगा, वो कौन से लेवल रहते हैं वो सीखने वाले। उसके बाद में तरह तरह के चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसके बारे में सीखने वाले, तरह तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं उसके बारे में सीखने वाले, और रिवर्सल पॉइंट, रिवर्सल पॉइंट मतलब ये दो लाइन से, इन दो लाइन्स में अगर देखें तो यहाँ पे समझो यहाँ पे स्टॉक्स है ओके, यहाँ पे स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा, यहाँ से क्यों नीचे जाएगा, यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा, इधर को ब्रेक करके ऊपर क्यों जाएगा, ये जो रिवर्सल पॉइंट्स रहते हैं, ये रिवर्सल पॉइंट के भी बारे में अपन आने वाले दिनों में अभी पूरे देखने वाले। तो यहाँ पे देखे तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में क्या क्या देखने वाले, यहाँ अपन देखेंगे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके बारे में ज्यादातर अपन नॉलेज लेने वाले। तो चलिए यहाँ पे अबे आगे आने वाले जो सेशन रहेगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन के बारे में अपन ने देख लिया कि क्या क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्या सीखने वाले, यहाँ पे डिमांड क्या रहता है, सप्लाई क्या रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अभी जो आएगा, तो अभी अगला सेशन आएगा, तो उसके अगले सेशन में अपन कैंडल, कैंडल क्या रहती है, रेड कैंडल क्या रहती है, ग्रीन कैंडल क्या रहती है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। चार्ट के ऊपर किस तरह से वो फॉर्म होती है, किस तरह से उसको रीड करने का है, उसके बाद में चार्ट्स क्या रहते हैं, कहाँ पे चार्ट्स देख सकते हैं, कौन सी साइड से, या वो सब कुछ आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन का, अगर ये बेसिक्स आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि अपन अगर यहाँ पे चार्ट्स के बारे में देख रहे हो तो इसको चार्ट्स किस तरह से वर्क करता है, मार्केट में प्राइस कौन सी भी प्राइस हो तो प्राइस क्यों बढ़ती है, उसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिला। और यहाँ पे 75 डेज का जो चैलेंज का वीडियो चल रहा है, यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि प्राइस एक्शन क्या रहता है, सब कुछ अभी एडवांस स्लो बाय स्लो में आपको वन वन सेशन आपको लेके आ रहा हूँ। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।